हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि मगध साम्राज्य से रिलेटेड है। इससे पहले हमने बिहार समग्रा के 3 सेट्स कवर कर रखे हैं, 3 चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं। आप सबको बता दूं कि हमने ये सीरीज चला रखा है जिसमें हम बिहार समग्रा के सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस और जहाँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ये भी हम आपको देंगे, क्योंकि आपके बिहार के किसी भी एग्जाम में हूबहू इसी बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, स्टैटिक पोर्शन की अगर बात करें तो। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मगध को। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कौन सी है, तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी जो है ये है आपको राजगीर। तो राजगीर की बात अगर करें तो गिरिव्रज भी इसको कहा जाता है, और राजगीर राजगृह इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपका रहेगा तो आप लगाएंगे, क्योंकि पहले राजगीर को गिरिव्रज के नाम से ही जाना जाता था, और राजगीर जो है ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था वो कौन सा था, तो वह था बृहद्रथ। तो ये राजवंश जो है ये जरासंध के पिता बृहद्रथ के से आरंभ होता है, मतलब ये बृहद्रथ जो थे ये जरासंध के पिता थे और यहीं से इस राजवंश की शुरुआत होती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था, मगध जनपद का जो संस्थापक था वो था बृहद्रथ तथा जरासंध। जरासंध बृहद्रथ जो थे ये कौन थे, ये जरासंध के पिता थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही 1 बाय 1 सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये था बिंबिसार। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। बिंबिसार का शासनकाल जो था ये 544 ईस्वी से 493 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, तो ये टाइम ड्यूरेशन भी आप याद रखेंगे। बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे, बिंबिसार एवं अजात शत्रु जो थे ये हर्यक वंश के थे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में जो कि हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने कवर कर रखा है, उसमें आपको हमने बिंबिसार और हर्यक वंश से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप इन सब चीज़ों को उसमें कवर कर सकते हैं, उन सारे वीडियोज़ के माध्यम से कवर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो मगध सम्राट अजात शत्रु थे उन्होंने फर्स्ट बौद्ध संगीति की स्थापना करी थी, कहाँ उन्होंने फर्स्ट बौद्ध संगीति जो है उनके टाइम में ही किया गया था, उनके संस्थापक थे ये जो थे अजात। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजात शत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार जो है ये महात्मा बुद्ध के मित्र थे। अब इससे रिलेटेड बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, किनके टाइम में हुआ था, सेकंड बौद्ध संगीति किनके टाइम में हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं, ये आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कभी प्रारंभ हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये हुआ था बिंबिसार के शासन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो बिंबिसार ने विवाह किया था इन तीनों राजकुमारी के साथ जो कि आपकी हैं कौशल देवी, चेलना और खेमा, ठीक है। तो इन तीनों के साथ इन्होंने विवाह किया था, क्यों इन तीनों के साथ विवाह किया था, क्योंकि वैवाहिक संबंधों के साथ साथ
हर एक जो राजकुमारी थी और जिन प्रांत की राजकुमारियों के साथ इन्होंने विवाह किया था, उन उन प्रांतों से इनकी जो अपनी स्थिति थी, इनकी जो फिनेंशियली ये स्ट्रांग होते चले गए और इन्होंने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए इन सब प्रांतों की राजकुमारियों के साथ विवाह किया था। कौशल देवी कौशल की थी। खेमा जो है ये पंजाब से रिलेटेड पंजाब की थी और चेलना राजकुमारी जो है ये वज्जी संघ की राजकुमारी थी। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, बिंबिसार ने महादत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने अंग राज्य को जीता था। किसको पराजित करके? महादत्त को पराजित करके। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश जो है इसका दूसरा शासक कौन था? इसका दूसरा शासक था अजातशत्रु। और हर्यक वंश की जो अजातशत्रु जो है इन्हीं के टाइम में फर्स्ट बौद्ध संहिति किया गया था। किसके टाइम में? अजातशत्रु के टाइम में, जो कि राजगृह में किया गया था, ये भी साथ ही साथ आप याद करेंगे। और अजातशत्रु जो है इनका शासनकाल जो था 493 ईस्वी से लेके 461 ईस्वी पूर्व तक था और इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता की प्राप्ति की थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? ये की थी अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में हमने देखा कि इन्होंने पिता की हत्या करके सत्ता की प्राप्ति करी थी और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था बिंबिसार। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 भी है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन शॉर्ट ये अजात शत्रु थे जिन्होंने वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किया था। अजात शत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये जो चर्चित नर्तकी थी आम्रपाली, आम्रपाली जो है ये वैशाली जिले से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज वैशाली। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, किस किस हथियार का प्रयोग किया था? तो ये किया था अजात शत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। किसके अगेंस्ट, किस युद्ध में किया था? ये किया था लिच्छवी राजा के अगेंस्ट, लिच्छवी वाले युद्ध में इन्होंने क्या किया था, लिच्छवी राज्य के साथ इन्होंने जो युद्ध लड़ा था उसमें इन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यहाँ आपसे चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस शताब्दी में हुआ था, तो ये आपको बताना है। ये इसका राइट आंसर होगा छठी शताब्दी में ये हुआ था। ये क्वेश्चन हम मगध साम्राज्य से रिलेटेड जो हमने वीडियो कवर किया है वहाँ पे हमने ऑलरेडी करवा रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस राज्य किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ना ये किसने की थी? ये उदयन ने की थी, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर दिया हुआ है कि अजात शत्रु के बाद, अजात शत्रु जिनके पिता का नाम था बिंबिसार और उनकी हत्या के बाद अजात शत्रु जो है वो राजा बने थे और उनके बाद उदाईन जो है वो मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उदाईन का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? उदयभद्र। इस उदयभद्र के नाम से भी उदाईन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट एंड मेडिवल जो भी क्वेश्चंस है ना, यहाँ से दो से तीन क्वेश्चंस
सेम टू सेम हूबहू आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। तो किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी? तो ये थे उदाईन। उदाईन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को किसकी राजधानी बनाई थी? तो मगध की राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था ये था नागदर्शक। नागदर्शक जो थे ये हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, सॉरी। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो ये हर्यक वंश के बाद जो है ये मगध पर किस वंश की सत्ता आई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आया शिशुनाग वंश की सत्ता आई थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था ये कौन था? ये था शिशुनाग। और सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये कौन था? ये भी था शिशुनाग। ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र को पुनः किसने अपनी राजधानी बनाई और मगध साम्राज्य की राजधानी उसके बाद पाटलिपुत्र ही रही? तो ये था काला शोका। और काला शोका को काकवर्ण भी कहा जाता है। सेकंड नाम इनका आप याद रखेंगे, काकवर्ण। फ्रेंड्स, जब आप शॉर्ट नोट बनाते हैं ना, तो आपको लाइन बाय लाइन नोट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको करना क्या है कि आपको बस जैसे आप शिशुनाग से रिलेटेड शॉर्ट नोट बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पे शिशुनाग लिख दिया और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि शिशुनाग कौन से वंश का संस्थापक था या फिर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह को अतिरिक्त वैशाली को भी गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई, तो यहाँ पे शिशुनाग आप लिख दोगे और आप यहाँ पे लिख दोगे वैशाली, वैशाली के बाद देन गिरिव्रज राजगृह। तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप इनके आसपास लिख दोगे, सो दैट कि आपको वो पॉइंट्स देख के ही चीज़ें याद आ जाएंगी कि आपने नोट्स में क्या लिखा है और कैसे लिखा है, ताकि लाइन बाय लाइन पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो सेकंड 20 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई? तो ये कौन था? ये था शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो ये कौन था? ये था काला शोक। ये आप याद रखेंगे। और काला शोक को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस किया है, काकवर्ण के नाम से भी इनको जाना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ना, ये किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था काला अशोका के टाइम में हुआ था। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जान लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में, जो कि 383 ईस्वी पूर्व हुआ था, ये भी आप यहाँ पे नोट करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी थी साप कमीर ने। ये भी साप कमीर ने किसने करी थी? साप कमीर ने। ये सारे के सारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके उन सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था ये था आपका महापद्मना नंद। तो ये महापद्म नंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे। और किस पुस्तक में प्राचीन भारत में नंद वंश के संस्थापक महानंदिन को बताया गया है, ये भी आप देख लीजिए। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक जो है उसमें नंद वंश के संस्थापक का नाम क्या बताया गया है, ये बताया गया है महानंदिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, मगध के किस शासक को कलि का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, जिसको
सर्वक्ष तांत्रक और एक छत्र और एक राट कहा गया है। ये सारे नाम किनके हैं? तो ये सारे नाम हैं महापद्मना नंद के, महापद्म नंद के ये सारे के सारे नाम हैं, ये आप याद रखेंगे। और इन ये सारे नाम इनको क्यों दिए गए? क्योंकि ये नंद वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे, बहुत ही शक्तिशाली आप समझ सकते हैं कि ये शासक थे, किसके? नंद वंश के। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कालाशोक जो थे, ये कालाशोका जो है, ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। ओके, और साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि सेकंड वॉत संहिति जो हुआ था वो कालाशोका के शासनकाल में ही हुआ था, जो कि 383 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था वैशाली में। ठीक है, फिर प्रथम बौद्ध संहिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हमने कवर कर रखा है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कभी हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। फिर प्रथम बौद्ध संहिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महा कश्यप ने। प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। तो कलिंग का विलय जो है सर्वप्रथम महापद्म नंद ने किया था मगध साम्राज्य में। ओके, प्रश्न नंबर 32 जो है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे मगध साम्राज्य का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस जो आपके पास दिए गए हैं वो है महापद्म नंद, धनानंद और सुकल्प चंद्रगुप्त मौर्य। ये चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है वो सम्राट का शासन समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था। तो ये था घनानंद। ठीक है, तो ये धनानंद जो था ये सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था और वही सिकंदर महान का समकालीन था, ये भी आप याद रखिए। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो ये बसाया था किसने? उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ये क्वेश्चन आपका हम इससे पहले भी आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम को सुनिश्चित तथा किलों को सुसज्जित किया था, सुरक्षित किया था और किलों को सुसज्जित किया था, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। आपसे यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो इन्होंने किया था किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में किया था? वैशाली के वज्जियों के आक्रमणों के। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद आने वाले हर एक वीडियोस में हम इस बुक के सारे जो चैप्टर्स हैं वो वन बाय वन कवर करके चले जाएंगे। सो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।